हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल यूनिक क्रिएटर्स यहाँ पे 2021 की सी की सीरीज़ चालू होने जा रही है यहाँ पे पैसेज कॉम्प्रहेंसन रीडिंग कॉम्प्रहेंसन जो भी आप बोलते हो और परमिटेसिन uh, कॉम्प्रेंसन सारे मिक्सअप में आएंगे एक एक करके जैसे कि सीट वन में दिया हुआ था तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए और प्लीज़ वॉच करके जाया करो पूरा क्योंकि बहुत okay? ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए ओके पेशेंस इज द की टू सक्सेस आपको याद रखना है लेट्स स्टार्ट रिसर्चर्स स्टमुलेटेड स्ट्रीट लाइटिंग ऑन आर्टिफिशियल ग्रासलैंड प्लाट्स कंटेनिंग पी एफिड्स पी एफिड्स मतलब कि मटर के की कीड़े जो होते हैं उन पर रिसर्चर्स ने क्या किया है स्टमुलेट किया है स्ट्रीट लाइटिंग को लाइट डाली उनपे आर्टिफिशियल ग्रास लैंड प्लॉट्स पर जो कि पी एफिड्स मटर के की कीड़े, कीड़े कंटेन कर रहे थे ओके okay? एंड और भी थी चीज़ें सेप सकिंग इंसेक्ट्स थे रस चूसने वाले कीड़े एंड रात में ओके एट नाइट दीज वर एक्सपोज टू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट इन्हें दो डिफरेंट टाइप की लाइट्स इन पर डाली गई अब वाइट लाइट सिमिलर टू न्यूअर कॉमर्शियल एल ई डी लाइट्स एक वाइट लाइट थी जो कि न्यू कॉमर्शियल एल ई डी लाइट जो हमारी होती है उसके जैसी थी और दूसरी एंड एन एम्बर लाइट एक एम्बर लाइट थी सिमिलर टू सोडियम स्ट्रीट लैम्प्स सोडियम स्ट्रीट लैम्प्स जैसे होते हैं वैसी थी ओके तो क्या हुआ इनसे देखते हैं द लो इंटेंसिटी एम्बर लाइट जो लो इंटेंसिटी की एम्बर लाइट थी ना वॉ शोन टू इनहिबिट वो रोक रही थी क्या रोक रही थी रादर देन इंड्यूज मतलब कि उत्तेजित करने के बजाय वो रोक रही थी क्या रोक रही थी फ्लारिंग इन अ वाइल्ड प्लांट ऑफ द पी फैमिली फ्लारिंग नहीं हो रही थी उस वाइल्ड प्लांट में जो पी फैमिली का था विच इज अ सोर्स ऑफ फूड फॉर द पी एफिट्स इन ग्रास लैंड जो कि सोर्स था उन मटर के की कीड़ों का उस ग्रास लैंड में ओके okay? तो उसे वो रोक रही थी किसे रोक रही थी पी फैमिली का वो जो वाइल्ड प्लांट जो था वो फ्लार नहीं कर पा रहा था जो कि खाना बन रहा था वो मटर मटर के की कीड़ों का ओके द नंबर ऑफ एफेक्ट जो नंबर ऑफ कीड़े थे वो ऑज ऑल्सो सिग्निफिकेंटली सप्रेस्ड उन्हें और वो एक और तरीके से ज्यादा कम पड़ गए कैसे अंडर द लाइट ट्रीटमेंट ड्यू टू द लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल जब लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल होगा तो ऑफकोर्स वो कम पड़ जाएंगे ओके okay? ये बताया गया यहाँ पे तो आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं सो so, ये हमारा क्वेश्चन है आइए देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट क्रिटिकल इन्फ्लूंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज तो आइए देखते हैं कौन सा सबसे मेन क्रिटिकल इन्फ्लूस है फर्स्ट लो इंटेंसिटी लाइट हैज़ मोर एडवर्स इफेक्ट ऑन द प्लांट्स लो इंटेंसिटी लाइट का मोर एडवर्स ज़्यादा घातक इफेक्ट होता है प्लांट्स पे एज कम्पेयर टू हाई इंटेंसिटी लाइट क्या आप ये इन्फ्लूंस ड्रॉ कर सकते हो इस पैसेज से बिल्कुल भी नहीं क्योंकि वहाँ पे कंपैरिजन नहीं किया गया था लो इंटेंसिटी या हाई इंटेंसिटी लाइट में तो फर्स्ट इनकरेक्ट होगा लाइट पॉल्यूशन कैन हैव अ परमानेंट एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एन इको लाइट पॉल्यूशन जो है वो एक परमानेंट एडवर्स इम्पैक्ट डाल सकता है इको सिस्टम उस पर हो सकता है देखते हैं क्योंकि वहाँ पे लाइट पॉल्यूशन ही था जिसकी वजह से वो फ्लारिंग नहीं हो पा रही थी वो खराब जो प्लांट था जिसकी वजह से जो कीड़ों का सोर्स बना था फूड का उसमें फ्लारिंग क्यों नहीं हुई थी लाइट पॉल्यूशन की वजह से ओके okay? तो आगे चलते हैं वाइट लाइट इज बेटर फॉर द फ्लारिंग ऑफ प्लांट्स एज कम्पेयर टू द लाइट ऑफ अदर कलर्स देखिए कंपेरिजन बिल्कुल भी नहीं किया गया था तो पहला तो गलत था तीसरा भी गलत हो जाएगा ओके okay? बी हमने चेक में रखा है देखेंगे अभी प्रॉपर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन एन इकोसिस्टम इज इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर प्लांट्स बट फॉर एनिमल्स टू बिल्कुल भी नहीं प्लांट्स एनिमल्स ये कैसे बात हो सकती है एनिमल्स की तो हमने वहाँ पर बात ही नहीं की तो आप जो लिखा है उस पर बिलीव करो ये भी गलत है सो द करेक्ट आंसर हियर इज़ बी दैट इज़ लाइट पॉल्यूशन कैन हैव अ परमानेंट एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एन इको ओके सो ये यहाँ पर करेक्ट होगा सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इन वीडियोस को जिससे कि रीच बढ़े तो और ज़्यादा अच्छा लगे बनाने में वीडियोस को थैंक यू